हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो गाइस, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में स्टाफ नर्स की कुछ पोस्टें हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएट हॉस्पिटल जम्मू। तो सारी डिटेल हम बात करेंगे, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, कब लास्ट डेट है, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, क्या आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाला है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने जाएंगे। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करना। चैनल पर यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक यदि आपने नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलते रहेगा। चलिए गाइज, आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है 17 मार्च 2020 को ही आज इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है। अब बात कर लेंगे इसमें स्टाफ नर्स की टोटल कितनी पोस्ट है। ये जो पोस्ट रहने वाली है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा 03/2020 डेट दे रखी इसमें 16 मार्च 2020। अब देखेंगे स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं, सीनियर नर्सिंग स्टाफ की 45 पोस्टें हैं और एलिजिबिलिटी इसमें बात करेंगे अपन 10+2 और अबोव क्वालिफिकेशन विथ बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर नर्स स्टाफ ग्रेड लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी मिलेगी और सीनियर नर्सिंग स्टाफ को लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलने वाली है। तो गाइज, इसमें 75 पोस्ट हैं जूनियर नर्सिंग स्टाफ की, इसमें 10+2 और अबोव क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। तो गाइज, इसमें जो जूनियर नर्सिंग स्टाफ है इसमें बीएससी नर्सिंग और साथ में यदि आपने जीएनएम भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। ऊपर जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ की है इसमें जीएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ओनली बीएससी नर्सिंग या अदर आपका कोर्स एमएससी नर्सिंग पीएचडी जो भी किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। अपन देखेंगे रिसीव डेट ऑफ ऑनलाइन स्टार्ट, जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कब हो रहे हैं। इसकी डेट है 19 मार्च 2020 को इसका स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म। लास्ट डेट रहेगी रिसीव डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की 29 मार्च 2020 को। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अटैच करना है, डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो, टर्म एंड कंडीशन आप देख लीजिए, एज लिमिट है वो 18 साल से मैक्सिमम 63 ईयर। इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑफलाइन इसमें फॉर्म भरा जाएगा, किस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है ये देख लो, फाइनेंशियल कमीशन टू गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर इंफॉर्मेशन जो दे रखा है इसका ही नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको सेंड करना है। ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो रहेगा स्टाफ नर्स के लिए, इसमें आप नेम, मादर नेम, फादर नेम, सारी डिटेल इसमें A to Z इसमें भरकर इसमें सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फॉर्म वहाँ पे स्पीड पोस्ट के द्वारा जिस एड्रेस पे जम्मू मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भर सकें, भेज देना है। अब बात कर लेंगे जो ये वैकेंसी है गाइस जम्मू एंड कश्मीर वहीं के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है, बाहर के राज्यों के लिए ये वैकेंसी नहीं है क्योंकि अभी इसमें लेख का है, स्पष्ट एप्लीकेशन ऑन प्लान पेपर एज ए पर परफॉर्मा आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूटी एंड जे एंड जम्मू एंड कश्मीर एंगेजमेंट। तो गाइज ये कुल मिला के जम्मू कश्मीर उधर के राज्यों के उस राज्य के लिए ही वैकेंसी है, बाहर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें क्वालिफिकेशन में तो नहीं लिख रखा बट ऊपर इसमें स्पष्ट लिख रखा है। तो गाइज आप ट्राई कर लेना शायद, बट आई थिंक इसमें आपको फॉर्म नहीं लेंगे। चलिए गाइज, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज़।